गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ब्रेकिंग कोड्स। मैं हूं सुरेंद्र कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे लगातार ये कोशिश है कि हमारे ऐसे यूथ या ऐसे लोग जो कि किसी ना किसी फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं या उनमें काम करना चाहते हैं और उनको वो स्किल्स और एक्सपर्टीज सीखनी है जिससे उनका करियर आगे बढ़ सके, हम उनकी मदद कर पाए। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में जानेंगे, जो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, वहां पे हम जब किसी फॉर्म में वैल्यू ऐड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किसी ना किसी फॉर्म में अपनी वैल्यू ऐड प्रोवाइड कर रहे हैं, और कई बार ये इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में होते हैं। इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जो कि आज हम सीखेंगे। यानी कि एक डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज प्रोजेक्ट चार्टर, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो आइए शुरू करें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने कंटेंट यानी कि प्रोजेक्ट चार्टर के बारे में अच्छे से समझे, ये जानना जरूरी है कि प्रोजेक्ट क्या होता है। बिकॉज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट चार्टर की, तो इससे पहले अगर हम ये समझ लें कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, तो ये काफी हद तक हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि प्रोजेक्ट चार्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, बात करें अगर प्रोजेक्ट की एज अ डेफिनेशन, तो ये इसकी डेफिनेशन है, अ प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज अ टेम्पररी एफर्ट यूज्ड टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और अ रिजल्ट दैट हैज अ डेफिनेट बिगनिंग एंड एन एंड। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने रेड से हाईलाइट कर रखे हैं, जिसपे आपका फोकस होना जरूरी है। दोस्तों, प्रोजेक्ट जो होता है ये कोई एटर्निटी तक चलने वाला एक परमानेंट एफर्ट नहीं है, ये एक टेम्पररी एफर्ट है, यानी कि इसकी एक ड्यूरेशन है जो कि इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट होती है। इसमें एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस या फिर रिजल्ट को हम अचीव करना चाहते हैं, यानी कि ये डुप्लीकेसी नहीं है। प्रोजेक्ट, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हम अपने रिपोजिटरी में चेक करते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्ट पहले तो कहीं पे नहीं हुआ है। अगर हुआ होता है तो हम उसके सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करके हम स्ट्रेट अवे इंप्लीमेंट कर देते हैं। दोस्तों, हम प्रोजेक्ट के बारे में ये भी जान लें कि इसके अंदर लगने वाला बजट कई बार मिलियंस में होता है, इसीलिए इसकी फॉर्मल जानकारी होना और इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके और आपका करियर अच्छे ग्राफ में आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर। हमें प्रोजेक्ट चार्टर बनाने की जरूरत क्यों है? जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रोजेक्ट कई बार मिलियंस ऑफ रुपीस तक में जाता है, यानी कि इस पे लगने वाला खर्चा लाखों करोड़ों तक का हो सकता है। ऐसे में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है, जहां पे हर चीज क्लियरली डिफाइंड हो, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्री, आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, उससे जुड़ी टीम मेंबर्स की डिटेल, आपका गोल क्या है, आपकी टाइमलाइंस क्या होंगी, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें फॉर्मली डिफाइन करना और उसको कैप्चर करना अपने रिकॉर्ड्स में बहुत जरूरी है। ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने ये बात जानी थी कि प्रोजेक्ट अपने आप में एक यूनिक इनिशिएटिव होता है। अगर हम प्रोजेक्ट चार्टर मेंटेन नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम कभी भी ये चेक नहीं कर पाएंगे कि हमने हिस्टोरिकली इस तरह का प्रोजेक्ट पहले करा है कि नहीं। इसीलिए प्रोजेक्ट चार्टर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इस प्रोजेक्ट चार्टर को देख के पता कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का प्रोजेक्ट पहले अगर हुआ है तो हम स्ट्रेट अवे उनसे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, बात करें अगर प्रोजेक्ट चार्टर के बेनिफिट्स के बारे में, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ये इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों को कि कौन सी एरिया में कौन सा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। स्टेक होल्डर्स, टीम मेंबर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग हमेशा इस बात से अवेयर रहते हैं कि कोई इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में किस एरिया में चल रहा है। दोस्तों, ये टीम मेंबर्स को भी क्लियरली डिफाइन करता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके डिलीवरेबल्स क्या हैं, टाइमलाइन कमिटमेंट्स क्या हैं, और फाइनली ये आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स को और स्टेक होल्डर्स को अलाइन करता है, ताकि आगे जाके प्रोजेक्ट जर्नी में किसी भी तरह की कंफ्यूजन्स ना हो इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट जो कि प्रोजेक्ट से पहले करी गई थी, एंड डिलीवरेबल्स जो कि प्रोजेक्ट के बाद इवेल्युएट करे जाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम जाने कि प्रोजेक्ट चार्टर के कॉम्पोनेंट्स या एलिमेंट क्या होते हैं। वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है जिसको वो फॉलो करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर की फॉर्म में, लेकिन एक जनरल प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, आइए उसके बारे में बात करें। दोस्तों, प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर कुछ की एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है। ये है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम स्टेटमेंट,
गोल स्टेटमेंट, टाइमलाइन, स्टेक होल्डर एंड टीम मेंबर्स डिटेल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स की जानकारी। आगे आने वाली स्लाइड में हम सैम्पल प्रोजेक्ट चार्टर को डिटेल में समझेंगे और सेक्शन बाय सेक्शन इन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं जिसका हमने चार्टर क्वालिटी हब इंडिया से एज अ स्टडी मटीरियल लिया है। दोस्तों, प्रोजेक्ट जो है इस सैंपल के अंदर वो है रिजेक्शन रेट को रिड्यूस करना, जो कि मशीनरी लाइन में हो रही है। प्रोजेक्ट कोड यूजुअली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्बिनेशन होता है, सीरियल कोड आप कह सकते हैं, जो कि यूजुअली ईयर मंथ जिस टाइम प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जा रहा है, जिस लेवल का वो प्रोजेक्ट है और जो उसका सीरियल कोड है उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट चैंपियन या प्रोजेक्ट स्पॉन्सर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रोल्स होते हैं जिनके एरिया में ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है और उनके पास ऑथराइजेशन पावर होती है। यूजुअली प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो होता है वो एक हायर स्टेक होल्डर होता है, वेयर एज प्रोजेक्ट चैंपियन जो होता है वो भी एक स्टेक होल्डर में आता है, लेकिन वो टीम के साथ फुल एंड फाइनल एंड जर्नी तक जुड़ा होता है। उसको सारी अपडेट्स पता होती हैं और जो भी रोड ब्लॉक्स आते हैं प्रोजेक्ट जर्नी में उसको प्रोजेक्ट लीड के लिए वो हेल्प करता है रिजॉल्व करने के लिए। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट डिटेल जो कि जेनरिक इंफॉर्मेशन है, जिस एरिया में प्रोजेक्ट हो रहा है उसकी जानकारी भी यूजुअली चार्टर के अंदर रहती है। स्टार्ट डेट मेंशन रहती है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट, और यूजुअली प्रोजेक्ट के अलग सेक्शन में एक डिटेल्ड फेज बाय फेज टाइमलाइंस भी दी रहती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है अपार्ट फ्रॉम टीम मेंबर्स वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बिजनेस केस और गोल स्टेटमेंट को समझना। आइए पहले समझते हैं कि बिजनेस केस क्या होता है। दोस्तों, जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा प्रोजेक्ट अलाइन होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप जिस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स या विजन के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको यूजुअली हम बिजनेस केस में डिफाइन करते हैं। हम अपने बैकग्राउंड यानी कि जिस एरिया में प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है उसकी बैकग्राउंड के बारे में एक बेसिक जानकारी देते हैं, और उसके साथ ही साथ हम बिजनेस केस में ये मेंशन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की नीड क्यों है, क्यों ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है करना, इसके इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन नहीं करेंगे, और उस कंसिक्वेंस का इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है, ये सब जानकारी बिजनेस केस के अंदर आती है। बेसिकली आप ये समराइज कर सकते हैं कि बिजनेस केस के अंदर में आपको ये मेंशन करना है कि प्रोजेक्ट जो है उसका अभी करना क्यों जरूरी है, और इसको नहीं करने पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, और इसको करने पे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या इश्यू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका थंब रूल है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि इसके अंदर जो हमारे 5 Y और 1 H का प्रिंसिपल है उसको यूज करके एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट बनाई जा सके। What, where, when, who, why and how, this needs to be defined. दोस्तों, problem statement के अंदर generic और subjectivity नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आपके numbers जितने ज्यादा आप ला सकते हैं, realistic number based on historical data या baseline, उसको आप capture करिए। आप बताइए कि क्या problem है, वो problem किस area में है, कब से हो रही है, और कौन सी टीम इस पे काम कर रही है, या कौन सी टीम इस पे इससे इंपैक्टेड है, और कितना बड़ा इंपैक्ट है इस प्रॉब्लम का। दोस्तों, आप ये सारी स्टेटमेंट्स को जब आप या इन कीवर्ड्स को जब आप जोड़ेंगे, स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको रिफाइन करेंगे, देन यू विल गेट अ वेरी गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बहुत ही क्लियरली डिफाइन करेगी कि प्रोजेक्ट के अंदर हम किस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं। आगे चल के हम बात करते हैं हमारे गोल स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, हमने स्मार्ट गोल्स बहुत बार सुना होगा अपने लर्निंग जर्नी में। स्मार्ट गोल्स यूजुअली हम रखते हैं जब हम किसी प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि हम बहुत ही क्लियरली ये बता सके अपने स्टेक होल्डर को कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और किस टाइमलाइन तक। अगर यहाँ पे हम बात करें तो हम कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ मशीन इंटरनल रिजेक्शन फ्रॉम करेंट लेवल विच इज 0.5% to 0.10% by December 2013। यानी कि यहाँ पे टाइमलाइन भी बता दी गई है कि दिसंबर 2013 तक हम जो हमारी इंटरनल रिजेक्शन रेट है, जो कि हो सकता है अभी 0.51% होगी, उसको हम रिड्यूस करके 0.10 तक लाना चाहते हैं। ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक स्मार्ट गोल स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें हर चीज बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारी टाइमलाइंस क्या रहेंगी।
एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल के अंदर आप ये तय कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस क्राइटेरिया क्या होंगे, आउटकम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ क्या क्या चीजें हम डिलीवरेबल फॉर्म में हम देंगे। दोस्तों बात करते हैं अब एक मिडिल सेक्शन के बारे में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चार्टर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हम मिडिल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। मिडिल सेक्शन में सबसे पहली चीज जो आ रही है वो है स्कोप, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की बाउंड्री लाइन क्या है। दोस्तों जब हम बाउंड्री लाइन की बात करते हैं तो हमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों चीजें बतानी होती हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की स्कोप में क्या क्या चीजें रहेंगी और आउटसाइड क्या क्या रहेगा। ये जो स्कोप है आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिफाइन करें, यानी कि आप अगर किसी एरिया में या किसी साइट में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको हॉरिजॉन्टली भी डिफाइन करें कि किस किस साइट के किस किस डिपार्टमेंट में आप प्रोजेक्ट रन करेंगे या उसका इम्पैक्ट रहेगा, और कौन कौन से डिपार्टमेंट और साइट्स इस प्रोजेक्ट के परव्यू से बाहर होंगे। जब मैं वर्टिकली स्कोप की बात करता हूं तो वहां पे मेरा मतलब है अगर हायरार्की वाइज आप प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि किस हायरार्की लेवल तक में इस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट रहेगा या किस ग्रेड के लोग इस प्रोजेक्ट से इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मैं जनरल टर्म्स में कह रहा हूं। हो सकता है जब आप किसी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करें तो वहां पे आपको वर्टिकली डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ही डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर टाइमलाइन या माइलस्टोन की, तो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है जो आप रन कर रहे हैं वो किस मेथोडोलॉजी में है। अगर ये सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है जो कि डीमैक मेथोडोलॉजी पे हो रहा है, या फिर डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, IDOB है, या किसी और मेथोडोलॉजी से प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, उसके हिसाब से ही आपको अपने प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस को डिफाइन करना है, जो कि रियलिस्टिक हो, ज्यादा स्ट्रेच ना हो, बफर ना हो बहुत ज्यादा, एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। अगले कुछ वीडियो में आगे जाके हम लोग एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकली माइलस्टोन सेट करने के लिए। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट के माइलस्टोन को आपके फेजेस वाइज डिफाइन करना है कि कौन सा फेज कब स्टार्ट होगा और टेंटेटिवली कब खत्म होगा। दोस्तों बात करें अगर सपोर्ट की, तो आप इस सेक्शन में ही अपने स्टेक होल्डर्स को ये चीज बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट टीम के अलावा आपको किसी तरह के रिसोर्स की या किसी तरह की मैन पावर की जरूरत तो नहीं है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज आप अपनी सपोर्ट रिक्वायर्ड सेक्शन में प्रॉपरली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं और इसके अंदर बहुत तरह की ओवरहेड्स और कॉस्ट इंक्लूडेड होंगे, तो ये ऑब्वियसली बेटर है कि आप शुरू में ही एक अजम्पटिव नंबर या एक अजम्पटिव एक्सपेक्टेशन अपने स्टेक होल्डर के साथ शेयर करें, जहां पे आप अपने कॉस्ट यानी कि जो भी कॉस्ट इंक्लूसिव होने वाली है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, उसकी डिटेल आप कैप्चर कर सके इन टर्म्स ऑफ कि कितनी वैल्यू आपको चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए। दोस्तों बात करते हैं हम प्रोजेक्ट बेनिफिट्स के बारे में और कस्टमर्स के बारे में। आपको प्रोसेस ऑनर जिस प्रोसेस में आप प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं उसके ऑनर की जानकारी, स्टेक होल्डर्स की जानकारी भी इन सेक्शंस में कैप्चर करनी पड़ती है। आइए अब हम आगे चल के अपने सेक्शन थर्ड को स्टडी करते हैं। दोस्तों सेक्शन थर्ड में हम सबसे पहले जो हमारे प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स हैं उसको दिखाते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, और यूजुअली हमें इन बेनिफिट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, टेंजिबल बेनिफिट्स एंड इनटेंजिबल बेनिफिट। टेंजिबल बेनिफिट यूजुअली आपके कॉस्ट सेव यानी हार्ड सेव या सॉफ्ट सेव के फॉर्म में हो सकता है, वेयर एज इनटेंजिबल बेनिफिट एट टाइम्स आपके एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ऐसी चीजों में हो सकता है जो डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या रुपीज, लेकिन ये एक प्रोसेस और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है। दोस्तों हमने पिछली स्लाइड में अपने ओवरहेड्स के बारे में बात करी थी, और यहाँ पे हम क्लियर बेनिफिट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे, इस प्रोजेक्ट को रन करके हम क्या बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं। बेसिकली हम अपने स्टेक होल्डर को ये बता रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को रन करने पे हम क्या बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इसी सेक्शन के बेस पे सबसे ज्यादा दोस्तों इसी सेक्शन के बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि क्या ये प्रोजेक्ट अभी रन करना जरूरी है कि नहीं। इसीलिए इसको बनाते वक्त आप अपने प्रोजेक्ट चैंपियन, फिनेंस टीम और आपके जो भी एक्सपर्टीज है आपके इस एरिया के, उनसे जरूर डिस्कशंस करें, और इसका एक जो भी आप CBA मॉडल क्रिएट करके इन बेनिफिट्स को निकाल रहे हैं उसको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करें। आगे बात आती है आपके प्रोजेक्ट से जुड़े रिस्क कंस्ट्रेंट और अजम्पशन की।
दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम रन करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ रिस्क होते हैं जो कि पोटेंशियली आप जानते हैं कि ये हो सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर उन पोटेंशियल रिस्क को हाईलाइट करें और उसका एक मिटिगेशन या फिर आप कह सकते हैं उनसे निकलने या बचने के लिए जो आपने प्लान बनाया है उसको भी आप लेआउट करें। कंस्ट्रेंट्स बताएं, अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी लिमिटेशंस क्या हैं और किन अजम्पशंस को माइंड में रख के आप इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज स्टेक होल्डर ये जान पाते हैं इसके थ्रू कि आप अपने प्रोजेक्ट के लोगों की लेके कितने ज्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। दोस्तों फाइनली कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर साइन ऑफ की बात आती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है और सिग्नेचर्स होते हैं एंड प्रोजेक्ट क्लोजर्स की डेट्स होती हैं। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट ब्रॉडली समझ में आ चुका होगा, पर जैसा मैंने बोला कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं उनके अपने स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं, बट 80-90% जिस हमने जो भी एलिमेंट्स हमने डिस्कस करे हैं ये सारे एलिमेंट्स आपके कंपनी के प्रोजेक्ट चार्टर्स के अंदर भी होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का लेसन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको शेयर करें, और अगर नहीं जुड़े अभी तक तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अवर दिस वीडियो। हाउएवर ये वीडियोस की श्रृंखलाएं इसी तरह से चलती रहेंगी और आई एम श्योर आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और इसको शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे फ्रॉम चैनल ब्रेकिंग कोड्स।